वैल्यू लेटर क्या है और आप अपने बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं 100 अवे चैलेंज के डे नंबर 25 में। और इसके पहले मैंने 100 अवे चैलेंज के डे बाय डे लर्निंग्स के वीडियो अपलोड कर चुका हूं, सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच देम। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द स्लाइड्स। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि आज हम सीखने वाले हैं कि वैल्यू लेटर क्या होता है या हम अपने बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो वैल्यू लेटर को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ वैल्यू लेटर इज अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर प्लान विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इन वैल्यू एंड प्राइस। तो जैसा आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू और प्राइस दोनों साथ साथ चलते हैं। जितना वैल्यू बढ़ेगी उतना उस प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस बढ़ेगा, या इसका वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आपके पास रेंज ऑफ सर्विसेज हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले लोअर वैल्यू वाला प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। और एक बार आपका जो कस्टमर है उसके प्रोडक्ट को पसंद करता है, उसको कंज्यूम करता है, आपके कंटेंट को कंज्यूम करता है, तो आप उसके बाद उन्हें हायर वैल्यू का प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। और ऐसे करके आपकी धीरे धीरे ब्रांड बिल्ड होती जाएगी, आपके कस्टमर बिल्ड होते जाएंगे, और वही कस्टमर उनमें से कुछ आगे जाकर आपका जो टॉप वैल्यू प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू और प्राइस दोनों सबसे ज्यादा है वो वाला प्रोडक्ट आपका वो खरीदेंगे। सो हम इसको एक एग्जांपल की तरह आप समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है डेंटिस्ट वैल्यू लैडर का। सो अगर कोई डेंटिस्ट है एंड इफ ही और शी वॉन्ट्स की उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना है तो ही और शी कैन रन एड, राइट। एक बार फेसबुक एड रन करने के बाद वहां से हमें लीड मिलेगा। और सपोज हमने अपने फेसबुक एड में $100 खर्च किए और जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ा एफर्ट्स लगता है, तो आप ये समझिए कि मान लो आपने वो 2000 लोगों का क्लीनिंग करने के लिए आपने मे बी $200-$300 का आपका एक्सपेंस आया, तो टोटल अगर हम मानते हैं कि $500 का जो एक्सपेंस इसमें आया ये पूरा कस्टमर्स को एक्वायर करने में। और उसके बाद ये लैडर इस तरह से काम करती है कि सबसे पहले हमने फ्री क्लीनिंग प्रोवाइड की तो बहुत सारे लोग आए, सपोज 2000 लोग या 2000 लोग हमारे क्लिनिक पे आते हैं, डेंटिस्ट की क्लिनिक पे आते हैं, तो उन 2000 लोगों के जो ईमेल आईडी हैं और फोन नंबर है वो हम ले लेंगे। तो अगर आप किसी भी सर्विस को फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्री वैल्यू दे रहे हैं तो लोग आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जरूर देते हैं। ओके, सो आपके पास जब उन लोगों की ईमेल आईडी आ गई, उनके फोन नंबर आ गए, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस बन गया, तो लेटर ऑन आप अपनी सर्विसेज को, अपने ऑफर्स को उन तक इजीली उनके मोबाइल नंबर्स के थ्रू या उनके ईमेल आईडी के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो उनमें से जो 2000 लोग आए हैं वो अपनी क्लीनिंग कराते हैं, उनमें से बहुत से लोग होंगे, हो सकता 500 या 700 लोग ऐसे हों जिनको कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो उनके उनके टीथ में, राइट। तो आप उस समय उनको पिच कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो सपोज बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर मान लो 2000 लोगों में से केवल 500 लोग ही ऐसे मिले जो आपकी नेक्स्ट लेवल की सर्विस लेना चाहते हैं, या 700 लोग ऐसे मिले जो आपकी नेक्स्ट लेवल की सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम आप उनको पैकेज दे सकते हैं कि आप अपना जो टीथ क्लीनिंग एवरी 6 मंथ आप करा सकते हैं। साथ ही साथ उनको एजुकेट कर सकते हैं कि अगर वो नहीं कराते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो समटाइम्स जैसा पहले के वीडियोस में हमने बताया कि लोग आउट ऑफ फेयर भी बाय करते हैं, तो अगर आप उनको रियल में उनको एक वो दिखाएंगे कि आपके ये दांतों में ये प्रॉब्लम है या ये कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली आपसे नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट बाय करेंगे। उसके बाद उसी 500-700 में से हो जाएंगे कि 200 लोग या 300 लोग ये टीथ वाइटनिंग के लिए जाएंगे, फिर कुछ उसमें से आगे जाएंगे रिटेनर के लिए, कैविटीज के लिए, क्राउन के लिए, और लास्ट में इम्प्लांट्स के लिए। तो अगर हम एक कंसीडर करते हैं कि अगर वो 2000 में से केवल 2% लोग भी गए, तो 2000 का अगर आप 2% निकालेंगे तो उसके उसका 20 लोग, अगर 20 लोग भी इम्प्लांट कराने गए तो एक इम्प्लांट का जो चार्ज है आई एम नॉट श्योर मे बी यू नो $200-$300 हो सकता है। तो अगर आप 20 लोगों को ये सर्विस देते हो तो उससे आप समझिए कि मतलब $5,000 तक आप उसमें कमा सकते हैं, और ज्यादा भी आप उसमें अर्न कर सकते हैं केवल एक सर्विस से।
और इसकी लेटर में बहुत सारी सर्विस होंगी, तो आपको हर एक लेटर में, हर एक जैसे वाइटनिंग, रिटेनर, कैविटीज, क्राउन, हर जगह पे आपको आपके कस्टमर आपको मतलब अर्निंग देके जाएंगे, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका जो एक्सपेंस है वो बेसिकली $500 मैक्सिमम हमने कैलकुलेट किया था जो फेसबुक एड्स में या इनिशियल फ्री सर्विसेज देने में हुआ। सो डैन कैनेडी ने एक चीज कही है कि द कंपनी हु स्पेंड्स मोर टू एक्वायर कस्टमर विंस। तो जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कस्टमर एक्वायर करने में लगाती है अल्टीमेटली वो कंपनी अच्छा बिजनेस करती है। तो इंडिया में जैसे आपने जियो का देखा है, तो जियो ने सबसे पहले फ्री सर्विसेज दी और उसके बाद आज जियो इंडिया की नंबर वन कंपनी है, राइट। इसके अलावा आपने कंट्री डिलाइट का अगर नाम सुना हो तो वही पहले मिल्क पैकेट फ्री देते थे और अभी वो इतने सारे डोमेन में काम कर रहे हैं। सिमिलरली आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप भी इस तरीके से अपनी वैल्यू एडर बना सकते हैं, जहां पर आप इनिशियल स्टेज में आपके कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप मनी स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में, और उसके बाद वही कस्टमर आपको बहुत अच्छी अर्निंग देके जाएंगे और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को भी बताएंगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट वैसे भी होगी। तो यहाँ पर आपने देखिए कि केवल एक ही स्टेज में, इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट हुआ और बाकी सब स्टेज में हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी, बट हमारा रिटर्न उसमें से आ रहा था। तो आप सोचिए अपना बिजनेस में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और एग्जाम्पल की। अगर आप OFA अगर आपने ज्वाइन किया है, आप क्लिक फनल्स के बारे में जानते हैं, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक फनल के वैल्यू लेटर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जब आप क्लिक फनल के वैल्यू लेटर में जाते हैं, सबसे पहले आपको 5 डेज लीड चैलेंज मिलता है और उस लीड चैलेंज में 5 डेज तक आपको एक कोर्स काइंड ऑफ रहेगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा फर्स्ट स्टेज ये है, सेकेंड स्टेज ये है, थर्ड स्टेज ये है, आपको लीड मैग्नेट कैसे बनाना है, आपको अपनी लीड फनल कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें आपको फ्री सिखाई जाती है 5 डेज चैलेंज में। और इसके बाद अगर किसी लोग अगर लोगों को पसंद आता है 5 डेज चैलेंज, तो उसके बाद वो वन फनल अभी चैलेंज लेते हैं जिसका कि $100 कॉस्ट है, राइट। ये $100 भी वह क्लिक फनल अपने पास नहीं रखता, बल्कि वो अफिलियट्स को देता है जिसने आपको रेफर किया है। तो ये 2 स्टेजेस में जो क्लिक फनल है उनको कोई भी अर्निंग नहीं हो रही, बट यहाँ पर जो 3rd स्टेज है, जो 2 Comma Club Live या फनल हैकिंग लाइव है, ये एक ऐसे इवेंट होते हैं जो 3 डेज के इवेंट होते हैं। इसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, मे बी $300 or $400, और आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत से लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है, उनकी लर्निंग्स जानने का, उनकी उनके जो स्ट्रगल्स हैं या कैसे उन्होंने सक्सेस पाई, ये सब आपको उसमें जानने मिलता है। फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए 2 Comma Club X या ये कुछ ट्रेनिंग्स हैं जिसमें कि आपको $25,000 तक आपको पे करना पड़ता है और उसके बाद आपको वो सारी वैल्यूज वहां से मिलती हैं। सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था कि आप अपना वैल्यू लेडर कैसे बना सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की, या वैल्यू लेडर मिशन स्टेटमेंट की। किसी भी बिजनेस के लिए मिशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पेज में, आपकी प्रोफाइल में आपका मिशन स्टेटमेंट जरूर होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उसको आपके मिशन स्टेटमेंट से पता चल जाए कि आप किस बिजनेस में हो, आप क्या रिजल्ट देते हो, आपका ड्रीम कस्टमर कौन है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें आई या वी हेल्प ब्लैंक टू ब्लैंक थ्रू ब्लैंक, इट मीन्स अगर हम ये सोचें कि अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं, सो आई और वी हेल्प एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। सो मेरा जो कस्टमर है, ड्रीम क्लाइंट है, वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स, या जो अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं। तो मैंने यहाँ पर आई हेल्प अफिलिएट एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग अफिलिएट मार्केटर्स और एस्पायरिंग इंटरनेट मार्केटर्स टू, एंड आफ्टर टू व्हाट रिजल्ट दे विल गेट। सो अगर आप मेरे उससे बात करें तो दे विल अर्न देयर फर्स्ट $100, राइट। सेकेंड पार्ट कि आप क्या रिजल्ट देना चाहते हैं थ्रू, इसके बाद आता है कि कौन सी मेथड्स है। तो मेरा जो है फेसबुक ऑर्गेनिक मेथड्स, तो मेरा जो स्टेटमेंट होगा आई हेल्प एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू अर्न देयर फर्स्ट $100 थ्रू फेसबुक ऑर्गेनिक मेथड्स, राइट। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई डेंटिस्ट है, उसका मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, वी हेल्प पीपल टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, राइट। पीपल यू कैन से एक कम्युनिटी है लोगों की, वो आपके ड्रीम कस्टमर हैं, और आप उनको क्या दे रहे हैं, टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, आप उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे, थ्रू क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल स्माइल, राइट। सो ये एक मिशन स्टेटमेंट हो सकता है डेंटिस्ट का।
ऐसे ही आपको भी अपने बिजनेस का एक मिशन स्टेटमेंट बनाना है। और आप अगर फेसबुक का बिजनेस पेज यूज कर रहे हैं या अपने प्रोफाइल से आप बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक प्रोफाइल से, तो आपके प्रोफाइल में या पेज में ये मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। सो यही सारी बातें हैं जो डे 25 में हमने सीखी, और आई होप कि आपने अभी तक वन फंड अवे चैलेंज ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपने अभी तक वन फंड अवे चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके थ्रू जाकर वन फंड अवे चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से वन फंड अवे चैलेंज ज्वाइन करते हैं तो आपको रसल ब्रांसन के द्वारा लिखी हुई टू फिजिकल बुक्स .com सीक्रेट्स एंड एक्सपर्ट सीक्रेट्स दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको वन फंड अवे चैलेंज का सपोर्ट थ्रू आउट दी जर्नी मेरे द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बोनसेस हैं जो आप ओएफए ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेंगे। सो यही था जो आज मैं डिस्कस करने वाला था। मैं आपसे मिलता हूँ लास्ट डे ऑफ वन फंड अवे चैलेंज में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।